हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। यू आर वाचिंग अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा पार्ट टू। सो फ्रॉम दिस इज अ क्वेश्चन नंबर सिक्स आई हैव रिटन ऑन द वाइट बोर्ड दैट आइडेंटिफाई द मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इसमें ये तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो हाउ विल यू से, तो आप इसमें कैसे पता करोगे? देखो, ध्यान से देखोगे इसमें ये जो 10x प्लस 5 है ना, तो ये हो गया एक, ये 1 हो गया, ये हो गया 2। अगर 2 होते हैं, 2 मतलब बाई, मोनो मतलब एक, 3 मतलब ट्राई। ओके, तो अब आपने देखा इसमें कितना बना, 2 नंबर है, 2 नंबर है, तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, बाइनोमियल। मैं यहां लिख देता हूं बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल, क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है यहां का, यहां पर देखो, यहां पर कितना नंबर है, यहां पर तो एक ही नंबर है, यानी कि -4x2। ये मेरा एक ही है, है ना। अगर ये एक है तो इसका मैं समझूंगा कि ये क्या हो गया, मोनोमियल। क्या हो गया, ये मोनोमियल। ओके, और इसमें जो है, इसमें देखो कितने नंबर आ गए, देखो बढ़िया से देखो आप लोग, और ये हो गया एक, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो 3 आ गए, तो फिर मैं समझूंगा कि ये क्या है, ट्राइनोमियल। तो कितना आसान है कि मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइमोनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर ऑफ दिस। ये आपका नंबर दिया हुआ है, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर पता करना है। तो देखो, मैं यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। मेरे को पहले बोला गया न्यूमेरिकल फैक्टर, दूसरा है लिटरल फैक्टर। अब देखो, -4xy न्यूमेरिकल मतलब नंबर, ठीक है, तो इसमें कौन सा नंबर है, मैं क्या बोलूंगा, -4। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल जो फैक्टर है वो मेरा हो जाएगा -4, क्लियर। और जो लिटरल फैक्टर है, -4 छोड़ दो, बाकी जो बचा वो क्या हो गया, लिटरल फैक्टर, यानी कि xy, क्लियर हो गया, ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन -5a2x। तो कोएफिशिएंट f मतलब इसको छोड़कर, इस x को छोड़कर जो बचेगा वो आपका आंसर आएगा। ओके, तो लिखेंगे कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन, ये जो x है, x को छोड़कर जो बचेगा वो लिखेंगे। तो अगर मैं x को हटा दूं तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा, -5a2। ओके, तो क्या हो जाएगा, -5a2, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल वन जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ b2 इन -8b2c। तो इसमें हम कैसे करेंगे, b2 को छोड़ के जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, द कोएफिशिएंट ऑफ b2 इन -8b2c इज, इसमें हम b2 हटा के जो बचेगा वो लिखेंगे। तो b2 को अगर हटा दिए तो बचा क्या, -8c। तो ये मेरा आंसर आया। देखो कितना इजी है,
इसको आपको घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। एलजेब्रा अभी आप लोग का बेसिक कंसेप्ट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस 7, 8, 9, 10, 2। ओके, तो इसमें भी आप कर सकते हो, इसलिए ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तब तक बाय बाय।